अगर आप चाहते हैं कि आप जितने भी बड़े हो जाए लेकिन अपनी एज से काफी कम लगे तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए राइट नमस्ते मेरा नाम है पारस। तो मेरा मुझे जानते होंगे नहीं जानते हैं तो हैश टैग पारिस कर चेकआउट कर लीजिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपके यूथ को फिजिकल यूथ को बरकरार रखता है और वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अब मैंने एक वीडियो बनाया था फास्टिंग के बारे में और मैंने उस बारे में बहुत क्लियरली बताया था कि आप जब फास्टिंग करते हैं आपका एच जी एच यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ कैसे जाता है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ सबसे पहला ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन होता क्या है दूसरी बात आप ह्यूमन ग्रोथ हॉमोन को ज्यादा प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं एंड तीसरी चीज आप एच को ज्यादा ऑप्टोमाइज कैसे कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी उम्र से काफी हद तक यंग लगे लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन वो होता क्या है आप जब बड़े होते हैं आप क्यों होते हैं क्योंकि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली uh, आपके जो ब्रेन के नीचे बेस पे होता है वो ग्लैंड एच जी एच रिड्यूज करता है टाइप का प्रोटीन होता है प्रोटीन हार्मोन होता है वो और वही है हार्मोन जो रेगुलेट करते हैं आपकी मांसपेशियां जब बढ़ती हैं आपके मसल्स बढ़ती हैं आपके बाल बढ़ते हैं uh, आपकी पूरी बॉडी एक्सपैंड होती रहती है बेसिकली हम जब बड़े होते हैं यू नो दस अ सेंग वी स्टार्ट डाइंग फ्रॉम द मोमेंट दैट वी आर बॉन इसका ट्रूथ तो ये है कि कुछ 20, 21, 22 साल तक आपकी बॉडी बड़ी होती रहती है इसका मतलब है कि आपके ऑर्गन एक्सपैंड होते हैं आपके आर्म्स बड़े हो जाते हैं बाल बड़े हो जाते हैं आपने देखा होगी जैसे जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं सिक्सटी सेवेंटी सिक्सटी फाइव की उनकी बॉडी श्रिंक होने लग जाती है राइट तो वो तो है ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन क्या होता है वो आपकी बॉडी को इफेक्ट कैसे कर सकते हैं आई वॉन्ट नाउ गारे टू वेरी सिंपल थिंग्स जो आप कर सकते हैं नेचुरली आपके ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन लेवल्स को ऊपर करने के लिए और उसमें सबसे पहला है एच आई आई टी वर्कआउट्स एच आई टी मतलब हाई इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट्स हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बेसिकली इसमें स्पर्ट्स होते हैं अगर आप एच जी के बारे में पढ़ेंगे अगर आप स्प्रिंट्स करें अगर आप 200 मीटर की स्प्रिंट फटैक से करें आपकी बॉडी एच जी एच तब ज्यादा बढ़ाती है जब उसको कोई स्ट्रेस हो एक्सीडेंट के बाद आपकी बॉडी एच जी एच बनाती है आपको, उनको पता है कि आपकी मांसपेशियों को आपको रिपेयर करना है आ, तो आप जैसे ही स्प्रिंट करते हैं और कोई भी तरह की एक्सरसाइज बेसिकली आपके मसल को ब्रेक डाउन करती है राइट तो आपकी बॉडी ज्यादा ग्रोथ हॉमोन बनाना लग जाएगी तो अगर आप वो जो तीस मिनट की एच आए थी वो ऐसी होनी चाहिए कि उस उस ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप बात भी ना कर पाए इतना हाई इंटेंसिटी होना चाहिए बट ऑब्वियसली लाइक यू टेक केयर ऑफ यून सेफ बट उस लेवल की जब एक्सरसाइज होती है तब एच जी एच लेवल्स कुछ फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी परसेंट ज्यादा हो जाते हैं सो दैट इज नंबर वन जो दूसरी चीज़ है जो कि सबसे सस्ता और आसान और ब्लिसफुल तरीका है अपने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जो बढ़ोतरी है ज्यादा होने का वो है स्लीप जब आप अपनी स्टेज थ्री और फोर की स्लीप में होते हैं यानी कि पहले तो ऐसे अर्ली स्टेज स्लीप होती है जहाँ अस्ती में सोई नहीं फिर ऐसे थोड़ी डिस्टर्ब स्टेज स्लीप होती है उसको स्टीप टू बोलते हैं जहां पे आप सोने वाले हैं स्टेज थ्री और फोर की वो स्लीप होती है जहां पे आप कंप्लीटली पूरी तरह सो जाते हैं वो एक ड्रीम स्टेज इस स्टेट में आपको ख्वाब दिखते हैं सपने दिखते हैं आ, वो वाली स्टेज जब होती है आपकी बॉडी सबसे ज्यादा ग्रोथ हॉर्मोन उस टाइम पर बनाती है तो आप जितना ज्यादा सोएंगे आपने देखा होगा मसल तले जितने लोग होते हैं जो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं वो मसल्स भी उनके तभी बढ़ते हैं बिकॉज वो ज़्यादा सोते हैं बेसिकली अदर थिंग स्लीपिंग इज जो मुझे काफी कम होता है जब आप आठ या नौ घंटे के लिए सोते हैं आपकी बॉडी कुछ आठ सौ नौ सौ कैलरीज बर्न करती हैं क्योंकि आपके सिस्टम को अलाइव रखना चाहती है इसलिए आप जितना ज्यादा सोएंगे उतना ज्यादा आपकी एच जी एच लेवल्स बढ़ेंगे उतने ज्यादा आप यंग करेंगे सो गुड स्लीप इज ब्यूटिफुल एंड इज नथिंग दैट कम्पेयर टू दैट जो तीसरी चीज है जो आपके एच जी एच लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है वो है मेलेटोनिन अब काफी लोग मेलेटोनिन को जानते हैं मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं मेलेटोनिन बेसिकली आप जब Uh, आपकी स्लीप को बेटर करने में मेलेटोनिन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है तो जैसे मैं काफी मेलेटोन के सप्लीमेंट्स लेता था फाइव एम जी सिक्स एम जी सेवन एम जी अगर आपको सोने में दिक्कत होती है पर मेलेटोनिन एक ऐसा एक सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में जितना ज्यादा रिलीज होता है आपको उतनी ही ज्यादा बेटर स्लीप आती है अब मेलेटोनिन इंक्रीज करने की भी काफी फूड्स हैं और एक रिलेशनशिप पाया गया साइंटिफिकली आपकी बॉडी में जितना ज्यादा मेलेटोनिन होगा आपकी ग्रोथ हॉमोन का लेवल उतना ही ज्यादा होगा मेलेटोनन uh, एक्चुअली तो काफी ईजिली पाया जाता है पाइनएपल uh, तो सबसे अच्छा होता है आप पाइनएपल खाते हैं और

तो अब जितना ज़्यादा आपकी मेलेटोनिन होगा आपकी डाइट में और काफ़ी लोगों की डाइट में मेलेटोनिन नहीं होता उससे आपका ह्यूमन ग्रोथ हॉमोन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा आपके एच डी एच लेवल जितने भी ज्यादा हाई होंगे आपकी स्किन उतनी बेटर होती है आपके डार्क सर्कल्स कम आते हैं आपके बाल एटलीस्ट एजिंग की वजह से कम वाइट होंगे और कम झड़ेंगे आपकी जो मांसपेशियां हैं आपके जो मसल मैस है जो लीन मसल मास है वो बहुत ही ज्यादा बेटर लगेगा एक ऐसी चीज है जो चौथी चीज है जो आप ह्यूमन ग्रोथ होमोन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा आसान भी है और काफी लोग शायद इसको जानते भी नहीं होंगे तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताना चाहता हूँ शुगर यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं कैंसर शुगर पे फीड करता है चीनी एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप ना खाएं तो आपकी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा सॉल्ट अगर आप ना खाएं तो आपके सोडियम लेवल्स क्रैश हो सकते हैं पर चीनी ना खाने से कभी कुछ बुरा नहीं होगा क्योंकि हमको नेचुरल चीनी भी फ्रूट्स में मिल जाती है आपके इंसुलिन लेवल्स को इनफ मिल जाती है आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो भी इंसुलिन बन के आपके बॉडी में ऑप्टिमाइज हो जाता है पर आप जितनी ज़्यादा चीनी खाते हैं जितना ज्यादा आपका इंसुलिन बढ़ता है साइंटिफिकली आपकी इंसुलिन लेवल के जो राइज है और जीज लेवल का फॉल है उसमें बहुत ही ज्यादा गहरा रिलेशन

जो दूसरी बात है इसी शुगर वाली बात में वो ये है कि आपका फैट जितना ज्यादा होगा आप जितने ज़्यादा ओबीस होंगे आपका बॉडी फैट जितना परसेंटेज ज्यादा होगा आपका ग्रोथ होन लेवल उतना ही कम होता रहेगा

शुगर उसके बारे में एक दूसरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एंड ऑफ शुगर मतलब ऑफ शुगर मुझे चाहे जो भी कुछ भी बोलते हैं मैं चीनी का मतलब एक दाना भी नहीं खाया इनफैक्ट कल जेठा uh, मंगल है तो मेरे मामू अभी बोल ही रहे थे कि वो प्रसाद बनाएंगे वो तो खाना मैंने बहुत कम पोर बोल दिया कि मैं बिल्कुल चीनी नहीं खाऊंगा नहीं मतलब नहीं बिकॉज आप जब 30 दिन के लिए चीनी बिल्कुल छोड़ देते हैं उसके आपके बॉडी पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं मैं उसके बारे में वीडियो अगली बार बनाऊंगा पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे मैंने उस पैटर्न को अगर ब्रेक कर दिया तो मेरे को जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे पर वो दूसरे वीडियो के लिए बेसिकली चौथा पॉइंट ये है कि आपका शुगर इनटेक कम हो आपका इंसुलिन स्पाइक ना हो और आपका बॉडी फैट अगर कम हो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे कि आपका ह्यूमन ग्रोथ होन लेवल ग्रोथ हॉमोन लेवल बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि आप एंटी एजिंग जो आपकी वो चीज है आपकी बॉडी में वो ज्यादा हो जाएगी और जो पांचवी और आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है प्रोटीन इनटेक अक्सर ऐसा होता है खासकर वेजिटेरियन फैमिलीज में जो प्रोटीन ज़्यादा नहीं खाया जा रहा उनके काफी है उनके काफ़ी चीज़ें होती हैं प्रोटीन ना खाने से पहली बात तो आपकी मांसपेशियां उतनी नहीं बढ़ती प्रोटीन किसी भी तरह का वेज नॉन वेज जो भी बट ज़्यादा अगर आपके प्रोटीन नहीं है ऑप्टिमम लेवल आपको काफ़ी चीज़ें होती हैं सबसे पहला वैनिटी के हिसाब से आपको हेयर फॉल ज्यादा होता है होते। आप जितना कम प्रोटीन खाते हैं आपको उतना ही प्रोटीन और उसके हेयर फॉल के बीच में एक लिंक है जो काफी आ, तरीके से रिसर्च लिंक है दूसरी बात आप जब कम प्रोटीन खाते हैं आपकी बॉडी में आप उसका मतलब आप सब रन करेंगे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है ज्यादा फैट खा रहे होंगे जो आपको एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते बिकॉज आप जो फैट और प्रोटीन अगर आप सिर्फ वो डाइट खा रहे हैं आपकी बॉडी ऐसे भी इंसुलिन बना लेगी सबसे बेस्ट तरीका है अपने ह्यूमन ग्रोथ होमन लेवल को बढ़ाने के लिए आप जब वर्कआउट करते हैं उसके इंस्टेंटली बात प्रोटीन खा लें इसलिए हम नॉर्मली वर्कआउट हुआ है प्रोटीन शेक्स भी पीते हैं उन प्रोटीन शेक्स में कभी आजनिन भी होता है कभी सी भी होता है कभी बी भी होता है ये काफी अलग अलग सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को रिपेयर में भी मदद करते हैं और आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन की पावर भी बढ़ा देते हैं तो आफ्टर योर वर्कआउट इफ यू हैविंग मोर प्रोटीन ऐसा हमेशा देखिए कि आपके प्रोटीन में जो प्रोटीन का लेवल है वो 25 ग्राम तो होगी और कार्बोहाइड्रेट्स uh, में कम से कम जो हो वो अच्छा है हाइड्रोलाइज प्रोटीन जिसमें जीरो कार्ब्स होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रोटीन इंटेक जितना ज़्यादा होता है स्पेशली आफ्टर वर्कआउट आपका ह्यूमन होमोन लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ता है डीजे समझते एक्सप्लेन टू यू अबाउट ह्यूमन ग्रोथ हुमन क्या है आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा वो आपकी बॉडी में क्या करता है आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऐसी काफ़ी चीजें जो हमको नहीं बताई जाती ऑलसो एक बड़ा डिफरेंस होता है इन्फॉर्मेशन में जो आपको जिम वाले देंगे और जो आपको हेल्थ वाले देंगे मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको मसल्स बनाने की नहीं दे रहा हूँ मुझे ऑनस्टली उसमें खुद भी एक्सपर्टीज़ नहीं है मुझे ये पता है कि एंटी एजिंग क्या होता है आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा होता है अगर आपको ऐसे विडियो अच्छे लगते हैं तो मुझे फॉलो कर दीजिए इंस्टाग्राम पर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब